मेरे लिए अभी एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर होता है। 10-15 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो जैसे शाम को आते ही तुरंत चले जाता हूँ बिग ट्रक अपडेट लाने के लिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया हूँ काम में और आज दिखाने वाला हूँ क्या मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आज वॉल टाइल्स लगने वाला है सीढ़ी में। सो चलिए मैं भी दिखाता हूँ कि कैसे सीढ़ी पे टाइल्स लगाता हूँ, तो सीखना भी चाहते हैं कैसे इसको लगाते हैं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रख दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास सबसे पहले। मैं आपको जो भी अभी दिखाऊंगा वीडियो में वो एक ब्लॉग की तरह मैं आपको दिखाऊंगा, ना कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। तो देखो ये हमारा वाला है, इसमें अभी हम टाइल्स लगाने वाले हैं। और ये कोना जो होता है ना गाइज, ऊपर लैंडिंग आने के बाद ये कोना सबसे डिफिकल्ट होता है कटिंग करना। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसको किस तरह से हम कटिंग करके और पूरा उसका जॉइंट मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट मिलता नहीं है आसानी से, इसको बहुत ही कारीगरी करके फिर जॉइंट मिलाना पड़ता है। सो मैं अभी लगाता हूँ इसको और बाद में आपको फिर दिखाऊंगा यहाँ तक आने के बाद इसको किस तरह से हम जॉइंट मिलाएंगे कटिंग करके। दोपहर का टाइम हो गया है और खाना खा के फिर से भी काम में लगने वाला हूँ। देखो नीचे से लगा के और इसको भी बना दिया है कोना, और ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ होता है कोना बनाने के लिए। सो इसको बनाना बहुत ईजी होता है, बस आप एक बार ध्यान से देख लेंगे ना फिर इसको बनाने के लिए सीख जाएंगे, अगर कोई टाइल्स का काम करते हैं तो। और इस तरफ में देखिए अभी एक ये भी कोना है इस तरफ में, और ये थोड़ा मेरा गैप हो गया है देखो। और आपने देखो इसको किस तरह से इसको बनाया है, देख लो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, इस तरह से पूरा इसका जॉइंट ना पूरा मिक्स हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना इसको पूरा यहीं से काट के टर्न कर देता है, बट वैसे नहीं होता ये, इसको जॉइंट मिलाना पड़ता है। तो अभी चलिए फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर सीढ़ी में फिर स्टार्ट करेंगे काम, और ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, देखते हैं जहाँ तक होगा होगा। आज का काम यहाँ पर होता है ख़त्म हमारा, और देखिए अभी टॉप तक हम आ गए लगाते लगाते, ये देखिए इस कोने तक लगा दिए हैं और एक भांज के लिए बच गया है। सो इसको अब कल लगाएंगे और अभी चलते हैं। और बाहर में ना पूरा बारिश का मौसम बन गया, चलिए दिखाता हूँ आपको एक बार किस तरह से मौसम हो रखा है। अभी पूरा 2 दिन के बाद ना पूरा कंटिन्यू बारिश होने वाला है गाइस, फिर 7-8 दिन तक। देख लो मैं कैसा इलाका में मैं काम करता हूँ, जितना भी तरफ देखोगे ना सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, पता नहीं हम लोग के नसीब में भी ऐसा बिल्डिंग है या नहीं। कुमार भाई, हम लोग का नसीब में ऐसा बिल्डिंग है या नहीं बताओ, हम लोग का नसीब में ऐसा बिल्डिंग होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा, मेहनत मेहनत करेंगे तो होगा जरूर, नहीं क्योंकि मेहनत के वजह से ही ये सब होता है गाइस। तो चलिए मैं भी पैर हाथ धोता हूँ और निकलता हूँ फिर घर, और मार्केट में आज बहुत सारा काम है, मार्केट में जाना है, और आज गणेश पूजा घूमेंगे, जाके बरसात में जाएंगे आज घूमने के लिए गणेश का पूजा। चलिए अभी बारिश होने ही लगा, कुछ पता नहीं घर पहुँच पाएगी कि नहीं, ज़्यादा जोर से भी नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अगर हम 10 मिनट के अंदर नहीं पहुँचेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा होने लगेगा। चलिए अभी निकलते हैं और देखते हैं कहीं रास्ते में मुझे पकड़ ना ले बारिश। और घर आते थे ना बारिश थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैं अभी तक कहीं नहीं गया हूँ, और फाइनली अभी जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, और थोड़ा गणेश पूजा भी घूम लेंगे, और मेरी बेटी छोटी सी बच्ची है, मेरी बेटी है, सो उसको भी थोड़ा घुमा के लेके आएंगे, उसको भी मैं अभी तक लेके गया नहीं हूँ एक भी दिन घुमाने के लिए, वैसे मम्मी के साथ वो जाती है और मैं तो अभी तक भी नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे पास ना यार अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काम से जैसे ही घर आता हूँ ना तो मेरे पास बहुत सारा वीडियो पड़ा रहता है, फिर उसको एडिटिंग करने लगता हूँ और कहीं भी नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर होता है। सो अभी चलिए थोड़ा सा मैं अपनी बेटी को घुमा के लाता हूँ और साथ ही आपको भी घुमा के लाता हूँ, और उसके साथ हम भी इसी बहाने से घूम लेंगे फिर आएंगे। कुआर जी, वाह कुआर, देखो कैसे इशारा कर रही है जाने के लिए उस तरफ। कुआर जी, वाह कुआर जी, वाह कैसे इशारा कर रही है। चलो चलो जाएंगे, अभी मार्केट आ गया हूँ और अभी हूँ मैं बाजार चौक के ऊपर, और यहाँ पे देखो एक गणेश भगवान का पूजा होता है वो कोने में,
और इसके सामने में देखिए दामनी शोरूम है, और उसके आगे में क्या इतना नवरंग, और इस तरफ में कोलकाता बाजार है। यहाँ पे मेरी सीढ़ी घूम ली है, तो इसको हम भी लेके जाएंगे फर्स्ट करके। आप एक बार देख लो, ये देखो लाइट वाइट लगा हुआ है, पूरा मेन बाजार के बीच में हो रहा है। फाइनली हम अभी दो तीन जगह घूम के और जा रहा हूँ एक जगह और पीटी चौक जा रहा हूँ। पीटी चौक घूमते हुए उसके बाद फर्स्ट टाइम जाके और घर निकल जाएंगे। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश होने लगा यार, देखो बड़ा बड़ा बूंद भी गिरने लगा। और सबसे ज़्यादा डर है मेरी बेटी का, इसको देखो एक बार कैसे इसको ढक दिया इसमें अभी। तो चलो धीरे धीरे जाएंगे और थोड़ा सा जल्दी से घूम के चलाएंगे, उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। वैसे मैं ले लिया हूँ छाता डिक्की में, देखते हैं क्या होता है। चलिए, और देखो यहाँ पे भी एक हो रहा है, इसको बोला जाता है बीडी ट्रेनिंग चौक। देखे सो भाई हम इस तरफ लेंगे लेफ्ट, रखौली 6 करोड़ चला जाता है, और उधर में मैधरपुर होके 7 माइल निकल जाएंगे आराम से। अनुगुल से होंगे तो आपको पता ही होगा, बट जो अनुगुल से बाहर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देख लो एक बार, अनुगुल टाउन अभी कुछ इस तरह से सज गया है पूरा लाइट से, थोड़ा बड़ा बड़ा बूंद पड़ने लगा। और मैं देखो छाता लेके आया था ना, तो मेरी बेटी को बचाने के लिए लेके आया था इमरजेंसी के लिए। सोच रहे थे अगर कहीं ज़्यादा हो गया ना फिर इसको लगा देंगे, तो अभी मैं धीरे धीरे जाऊँगा। फिर इसके तरफ अभी नहीं जाएंगे, अब सिर्फ बस स्टैंड की तरफ देख के इस पर चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जोड़ होने लगे ना फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। और देखो ये आई लव अनुगुल में भी अभी कोई लाइट नहीं लग रहा है, क्योंकि आदमी सब अभी आता नहीं है, इसलिए लाइट अभी लगाता नहीं है। स्टार्टिंग के टाइम में तो बोलिए मत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता था उस टाइम, ठंडा का भी दिन था थोड़ा। और ये तक उसमें यार बोलो मत, पैसा ही सिर्फ इसमें चाहिए जाने के लिए और कुछ नहीं। अब अभी कुछ इतना स्पीड में चला रहे हैं स्कूटी को, मात्र 13 का स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो रहा है ना, और पीछे छाता लगा के बैठी है श्री की मम्मी ना, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे ले रहा हूँ, नहीं तो छाता पूरा बैंड हो गया था, एक बार पूरा आगे का नक्शा पूरा पीछे चल गया था। चलो अभी पहुँच गया, हाँ बेटा नीचे उतरो। गाय बहुत बारिश हो रहा है इसलिए पूरा मज़ा ही किरकिरा गया यार, मैं अपनी बेटी को घुमा भी नहीं पा रहा हूँ। सो देखो एक बार दर्शन कर लो, नमो नमो कर दो बेटा, हाँ देखो कैसे नमो नमो कर रही है, देखो नमो नमो करो एक बार, और उधर मत जाओ गाड़ी आ रहा है उधर कर दो, हाँ मुंडिया मान लो, देखे कितना बुद्धि से भरी हुई है। सो क्या कीजिएगा, पूरा खाली है, कोई भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी दर्शन करने वाला नहीं है, और रास्ता भी पूरा खाली है इसी की वजह से। तो अभी हम निकलते हैं और ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे बाहर, क्योंकि अगर बारिश हो गया ना फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में मेरी सीरियन है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये भी गई तो। चलो अब जाएंगे, चलो चलो जाएंगे। देखो ये एक शोरूम नया खुला है यहाँ पे हमारा ट्रेंड, और ये शीतल प्लाजा, शीतल प्लाजा के ठीक साइड में ये ट्रेंड, और इसके सामने में ये गणेश पूजा हो रहा है। श्री के लिए ना कुछ भी नहीं खरीद पाए, क्योंकि मार्केट देखे ना पूरा सुना सुना था, कल बहुत सारा सामान बिक रहा था, बट कल ना मुझे टाइम नहीं मिलाने के लिए, और आज सोच रहे थे कुछ लाएंगे इसके लिए, और कोई है ही नहीं कुछ देखने वाला, क्या करें अभी चलते हैं फिर घर। और ये दोपहर आटा भी ले लिए, और हम इसी तरह से लूज आटा खाते हैं गाइस, क्योंकि ज़्यादा आदमी घर में नहीं है, मैं हूँ और श्री की मम्मी और श्री, और श्री की नानी अभी कुछ दिन से है मेरे पास, तो चले जाएंगे सिर्फ कोई आदमी बच जाते हैं खाने के लिए ना, तो ज़्यादा लेता नहीं, जितना ख़त्म होता है फिर लेके जाता हूँ। तो चलिए अभी निकलते हैं घर, यहाँ से पहुँच गया हूँ घर, और एक बार आपको थोड़ा सा घर दिखाता हूँ। मैं 7-8 दिन से मैं इतना बिजी हो गया हूँ ना, घर में कोई भी सामान नहीं उठा रहा हूँ, नहीं कुछ कर रहा हूँ, एकदम कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ अभी 7-8 दिन से, इतना ज़्यादा बिजी हो गया अपने चैनल के लिए। देखो इसमें पूरा चावल रखा हुआ है, 7 दिन से मुझे बोल रहा है इसको उठा के उसके अंदर में रखो, मैं एकदम उसके बाद टाइम भी नहीं पूरा दे पा रहा हूँ। ये इंडक्शन चूल्हा एक है यहाँ पर पड़ा हुआ, इसको भी उठा के मुझे वो ऊपर में देखो डब्बा में रखना है, और उसको भी नहीं रख पाता हूँ। और ये सब देखो पूरा सजा के रखी है उसकी मम्मी, लेकिन यहाँ पे पूरा सामान भरा पड़ा है, तो मैं भी ना पहले इसको एक बार हटा लेता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं मिले। तो जैसे शाम को आते ही तुरंत चले जाता हूँ बिग ट्रक अपडेट लाने के लिए, उसके बाद बिग ट्रक अपडेट जैसे ही लेकर आता हूँ मैं बस थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, धोता होता हूँ, उसके बाद मोबाइल और एयरफोन लेता हूँ, सीधा बैठ जाता हूँ, और उसके बाद सीधा 10:30 बजे उठते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, जब तक कि मेरा एक वीडियो कम्प्लीट ना हो जाए एडिटिंग करके तब तक मैं उठता ही नहीं हूँ। तो चलिए आज का वीडियो बस यही सब आपको दिखाना था। देखा इसका तो शरारत बोलिए मत, अभी तो मैं बहुत दिन से इसका वीडियो शूट नहीं करता हूँ।